आपको जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें प्रवीण कुमार चौधरी का नाम सामने आया है। जिला प्रशासन सुनना है कि अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया है, जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिला प्रशासन के जो हमारे पुलिस अधीक्षक सर हैं, उनके द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है और इस पर कार्य अभी चल रहा है। और अभी जो प्रवीण चौधरी का नाम जो आया है, पर जैसा कि हम हिंदुस्तान अखबार में हमने पढ़ा है, ठीक ना, हमको अभी किसी प्रकार का कोई प्रशासन के तरफ से इस तरह की सूचना नहीं दी है, अखबार के माध्यम से इस तरह का सूचना प्राप्त हुई है। तो उस अखबार में ये लिखा गया है कि प्रवीण कुमार चौधरी ने कहा है कि हमने अपने जन सहयोग से पटेल नगर में मिट्टी का वर्क कराया था और उसी के वजह से अमरेंद्र चौबे को हमने गोली मारने की धमकी दी है, जैसा कि अखबार हिंदुस्तान अखबार कह रहा है। लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस व्यक्ति से मेरी जान पहचान भी नहीं है, जिस व्यक्ति से आज तक मैंने कभी मिला नहीं है, मेरी याददाश्त में भी वो व्यक्ति दूर दूर तक नहीं है, जो व्यक्ति का मतलब मेरे वार्ड के परसीमन क्षेत्र के बाउंड्री लाइन पर मकान बना हुआ है, अभी विगत हमने पता किया तो पता चला कि 2-2.5 साल पहले ही मकान बना हुआ है, जो व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है कि कई महीनों से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, और वहाँ पर जब मिट्टी भराने की कार्य हुआ तो पता चला कि वहाँ पर 2 साल से कोई मिट्टी का वर्क हुआ ही नहीं है। तो ये सारी ये स्टेटमेंट प्रवीण कुमार चौधरी द्वारा अगर दिया गया है तो ये सारा का सारा गलत स्टेटमेंट है और मनगढ़ंत स्टेटमेंट है, अनुसंधान को गलत दिशा में भटकाने का है, ताकि अनुसंधान गलत दिशा में भटके और अमरेंद्र चौबे की हत्या हो जाए। जिला प्रशासन पूर्व में भी मेरी हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन उस समय के पुलिस अधीक्षक महोदय अवकाश सर थे और यहाँ के थाना प्रभारी सुबोध सर थे, उन लोगों के द्वारा उसका उद्भेदन किया गया था, लेकिन उस समय भी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा गया, तब तक इन लोगों का स्थानांतरण हो गया था। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, हमारे जो अभी जो हमारे पूर्ण ये पूरे प्रकरण का पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय खुद अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत सुलझे हुए, हमें उन पर विश्वास भी है, मैं उनसे मांग करता हूँ कि इस प्रवीण कुमार चौधरी का हमने देखा है फेसबुक आईडी में भी बहुत सारा स्टेटमेंट उसने लिखा है जो कि सही नहीं है, एक सही व्यक्ति नहीं लिख सकता इस तरह का, और वहाँ के पर स्थानीय लोगों से भी मैंने पता किया तो उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं हमको मिला, हमको यही अस्तर हर उनकी हर बातें हमको गलत मिल रहा है, तो कहीं से भी मेरे मैटर में जो है मेरा मैटर से संबंधित नज़र नहीं आ रहा है। प्रवीण चौधरी के द्वारा ये स्वीकार जरूर किया गया होगा जैसा कि हिंदुस्तान अखबार बोल रहा है, लेकिन प्रवीण चौधरी के पीछे मुझे शक है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रवीण चौधरी से ऐसा कार्य करवाया है, क्योंकि प्रवीण चौधरी जब यहाँ पर बहुत महीने से रह ही नहीं रहे हैं तो उनको मेरे कार्यकलाप के बारे में पता कैसे चला और उन्होंने कॉल कैसे किया, जब मेरे यहाँ का मतदाता नहीं है, मेरे यहाँ का जब हमसे संपर्क आज तक नहीं हुआ है, तो मनगढ़ंत बातें से भटकाएं नहीं, और हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ये सब बातें जो है उस केस को हल्का करने के लिए किया जा रहा है, उनसे आग्रह करेंगे कि पुनः इस पर जो है प्रवीण कुमार चौधरी जहां भी हैं उनको बुलाया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए, क्योंकि हमें संदेह है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची गई है। मेरा नाम अभी वर्तमान में पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि सहित भोजपुर जिले के संयोजक चुनाव आयोग सेल समिति का हूँ।